नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 प्रत्याशियों की 10वीं सूची की जारी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को बलिया से टिकट, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा का कटा टिकट, नीरज त्रिपाठी को मिला टिकट। मेरठ की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को कर देंगे बलिदान। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आयोजित चुनावी जनसभा में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा अब देश में पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। देश के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भाजपा ने सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं थीम पर 12 भाषाओं में जारी किया एक नया गीत। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद उल फितर का त्यौहार, मस्जिदों में अदा की जा रही ईद की नमाज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हो रही मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार नाम दिया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 12 लोकसभा सीटों के लिए करेंगी 10 रैलियां, 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगी जनसभा। जिले में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 15 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल करेंगे नामांकन दर्ज। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में बुधवार को भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। गोंडा संसदीय सीट पर दोनों प्रत्याशी आमने सामने मैदान में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को नियत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पहले से जारी तबादला आदेश पर अमल नहीं किया जा सकता है। भाजपा नेता ब्रजेश पाठक ने सपा के विजन डॉक्यूमेंट पर कहा कि इसमें माफिया राज और गुंडा राज की वापसी की बात की गई है, जिस पार्टी का कोई विजन ही नहीं है वो जनता के लिए क्या विजन देखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का किया स्वागत, कहा सपा संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है तो निश्चित तौर से सपा का घोषणा पत्र आमजन के हित के लिए होगा। बदायूं लोकसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार के नामांकन पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 15 अप्रैल को तय होगा बदायूं में सपा प्रत्याशी का चेहरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीलीभीत से 12 अप्रैल को चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज, इसमें कांग्रेस के नेताओं के भी उपस्थित रहने की है उम्मीद। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया सत्र 2024-25 शुरू हो गया है। नए सत्र में विद्यालयों में एक दर्जन रजिस्टर के डिजिटलीकरण को लेकर फिर सख्ती की जाएगी, जिसमें डिजिटल उपस्थिति भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में साइबर सुरक्षा की पढ़ाई होगी, विद्यार्थियों को योग विज्ञान आदि के साथ ही इंटरनेट और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रड़वा ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस, नारकोटिक्स विभाग और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 9 अप्रैल तक
134.55 करोड़ की शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातुएं आदि जब्त किए गए। और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा के तमाम दिग्गज नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ भाजपा के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल 24 की चुनौती के लिए कमर कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने दिनाजपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ममता सरकार और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सीए पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही अपना परिवार है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि कुछ दलों को केवल अपने परिवारों की चिंता है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। अरुणाचल का भाग्य कमल के निशान के साथ, अरुणाचल का विकास पेमा खांडू के हाथों में, देश का विकास मोदी जी के हाथों में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी देश की जनता के लिए किया है, आज तक किसी ने भी देश की जनता के लिए उतना काम नहीं किया है, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ है और आर्टिकल 370 भी सदैव के लिए समाप्त हो गया, यही है मोदी की गारंटी। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने छिंदवाड़ा में रोड शो के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाला ही इनका मुख्य एजेंडा है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में क्लीन स्वीप करने के नारे के साथ प्रचार करते दिखाई दिए। उन्होंने अल्मोड़ा और रामनगर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जीत का दावा किया। वहीं संबलपुर में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुचिंडा में रोड शो किया। इस दौरान लोगों का भारी जनसमूह देखने को मिला। इसके अलावा तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने तरनाका में रोड शो किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं, सभी दल पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और सभी दलों के स्टार प्रचारक भी अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज इसी के तहत जनपद संभल की चंदौसी विधानसभा में आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लेकिन आप समझिए कि इस समय समाजवादी पार्टी पर कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदल रही है। ये सच्चाई है कि नहीं? अब मुझे लगता है कि 2024 का जो एक चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग कहेंगे सपा सपा मतलब समाप्त पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में चुनाव के बाद लोग पूछेंगे आगे की तरफ जो भी नौजवान होंगे, कौन कांग्रेस कांग्रेस की देखा है, यह हालत इन लोगों की होती जाएगी।
मेरे बहनों भाइयों, साइकिल पंचर हो गई है, टायर गए हैं खुल। पंजा पंजाबी लटक कर गया है झूल। अब देश में खिलेगा केवल कमल का। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी 10वीं सूची में इलाहाबाद की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काट दिया है। यूपी की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जबकि फूलपुर से भी मौजूदा सांसद केशरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। मैनपुरी से योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, बलिया से नीरज शेखर और गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है, जबकि चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काटकर पार्टी ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल से पूर्व केंद्रीय मंत्री SS अहलुवालिया को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। और समाचारों में अब वक्त उछला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे, ये है मोदी की गारंटी। इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वास्तविक ने भी गुजरात प्रचार की कमान संभाली, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। चुनावों की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम में जुटे हैं। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिसने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कोहिमा में कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंग मेरिन जमीर के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपत्र में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अंधकार और अन्याय से भरा हुआ बताया। And LGBTQIA positive. And what we have said in para 11 is after wide consultation, Congress will bring a law to recognize civil unions. भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं? वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने भी इलाके में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए युवा, गरीब और बेरोजगार हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं कि इस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने थेनी में पार्टी उम्मीदवार थंगा तमिल सेल्वन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया।
तमिलनाडु के विरुधनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मणिकम टैगोर ने मदुरई में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों से जुड़ा है और लोग कांग्रेस के न्याय पत्र पर सकारात्मक प्रक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली से एमडीएम के लोकसभा उम्मीदवार दुरई वाइको ने भी पालाकराई में मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करते हुए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों के सुझाव के आधार पर सपा का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। सपा ने जनता के मांग पत्र के रूप में सोशल मीडिया पर जानकारी हासिल की। सभी ने समय समय पर अपने अपने सुझाव दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगे हैं संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। जाति जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जनता का मांग पत्र कहकर के सोशल मीडिया पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके माध्यम से भी जनता की जो मांगे थी वो कई कोनों से समाजवादी पार्टी के अपने पेज के माध्यम से पहुंची हैं, हम लोगों तक जानकारी मिली है। कई संस्थाएं भी समय समय पर मिली हैं, जिसमें कि वी द पीपल दिल्ली और देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे उन्होंने भी भेजे, एक लंबी सूची है। उन सबको संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। और समाचारों में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे, ये है मोदी की गारंटी। इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व राज्यपाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद संसदीय सीट से प्रत्याशी बनने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और आम जनमानस में खुशी मनाई गई। इस मौके पर इलाहाबाद संसदीय सीट के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने कहा आने वाले समय में लड़कियां हर कार्य करेंगी और भाजपा के द्वारा महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से वादा करता हूं कि मैं उनके सभी कार्यों को पूरा करूंगा। जहां तक इलाहाबाद के लिए काम करने की बात है तो पिताजी ने विधानसभा में बहुत कार्य किया, ऐसे बहुत कार्य हैं जो अभी इलाहाबाद में हो सकते हैं और मैं अगर मुझको जनता ने अपना प्यार दिया तो निश्चित रूप से इलाहाबाद के विकास के लिए मैं और भी काम करूंगा। स्पेशली मेरी खुद की एक इच्छा है कि यहाँ इलाहाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ढंग से डेवलप हो, तो मैं पार्टी में इस बात को ज़रूर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर और इंडस्ट्रीज आएँ और यहाँ की तरक्की और। बलरामपुर में भाजपा द्वारा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के सोशल मीडिया कार्यशाला एवं लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने लोगों को सोशल मीडिया की उपयोगिता के बारे में बताया। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि लोग अपने विचारों, मन की बातों सहित सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से साकेत मिश्रा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहे हैं। इनके नेतृत्व में लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती का चौमुखी विकास होगा।
100% पूरा होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, प्रत्येक विधानसभा में 370 वोट बढ़ा के हम सभी लोग 10% वोट अपने विधानसभाओं में बढ़ाएंगे। इसी का लक्ष्य लेके हम सब ने 400 सीटें जीतने का जो पार्टी ने निर्देश दिया है, जो संकल्प लिया है, वो 100% इस बार पूरा होने जा रहा है। प्रत्याशी बहुत कर्मठ है, बहुत योग्य है और एक ऐसे यशस्वी पिता के योग्य पुत्र है जिनको देश जानता है, जिन्होंने अपने काम से अपनी उपयोगिता साबित की है, तो इस जिले से उनका बहुत नाता है। मुझको लगता है कि प्रत्याशी को लेकर परिणाम आपको बताएगा कि प्रत्याशी के साथ इस क्षेत्र के लोगों ने कैसे किया और ऐतिहासिक परिणाम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मथुरा लोकसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस बसपा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और मतदाताओं को अपनी अपनी पार्टी के वादे करके लुभा रहे हैं। इस बार आरएलडी भाजपा के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर बसपा ने रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी सुरेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन से इस सीट पर कांग्रेस ने मुकेश धनगर को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस इस सीट पर पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह को उतारकर हेमा मालिनी को टक्कर देने की तैयारी में थी, लेकिन ऐन मौके पर विजेंदर ने भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस को झटका दे दिया। इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। वर्ल्ड क्लास का एक थिएटर सब बना हुआ है, इससे कलाकारों का भी प्रगति होगी, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं बहुत करनी है, वो हम करेंगे। तभी मथुरा बचेगा, नहीं तो मथुरा में भारतीय लोग आते रहेंगे, कोई विकास नहीं कराएंगे, कभी मिलेंगे नहीं, सुख दुख में साथ ही नहीं रहेंगे। जैसे सांसद का पैसा जो आता है, सांसद निधि, एक पैसा नहीं लगता, वो सब वापस चला जाता है, वो पैसा आपके विकास में लगेगा। और भी बहुत सारी जितनी योजनाएं होंगी, उन योजना के माध्यम से भी मथुरा का विकास असल में होगा, तभी मथुरा जो है तीन लोग से न्यारी होगी। सारे लोग मुकेश धनगर को एक मुश्त सब लोग लड़ाई लड़कर उसको चुनाव जिताएंगे, पूरी ताकत के साथ जिताएंगे। जो 400 की पार की बात है, वो 420 की बात करते हैं, वो फ्रॉड है, झूठे लोग। और समाचारों में अभी रुकते हैं ब्रेक के लिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे, ये है मोदी की गारंटी। इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना, यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा, सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नवरात्रि में पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि मां के दरबार में प्रत्येक नवरात्रि में आते हैं। उन्होंने माता विंध्यवासिनी का दर्शन कर सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर जिस तरह से भारत का मान बढ़ा है, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे कलराज मिश्र का स्वागत अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने अंगवस्त्र प्रदान करके किया। उन्होंने माता विंध्यवासिनी की तस्वीर भी भेंट की। मैं प्रति नवरात्र में यहाँ माँ का दर्शन करने आता हूँ। इस बार मुझे जरूर लग रहा था कि पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन माँ ने बुलाया और उस फरार किस्ती में मुझे रखा कि मैं यहाँ आकर माँ का दर्शन कर सका हूँ। और स्वाभाविक है कि
जब मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आता हूँ तो अपने को मैं पूर्ण स्वस्थ अनुभव करता हूँ और एक क्रम निरंतर मेरा बना हुआ है दर्शन करने का। माँ से यही प्रार्थना है कि अंततः ये क्रम बना रहे। माँ विंध्यवासिनी से मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ हम सब लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की दिशा में प्रेरित करते रहे, वहीं वर्तमान स्थिति में देश आगे बढ़े। काला नमक चावल को वैश्विक पहचान दिलाने वाले संत कबीरनगर जिले के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी को 22 अप्रैल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेंगी। डॉक्टर रामचेत चौधरी संत कबीरनगर जिले के झिंगुरा पार गांव के रहने वाले हैं, जिनको पद्मश्री दिए जाने की घोषणा 25 जनवरी 2024 को हुई थी। डॉक्टर रामचेत चौधरी को यह सम्मान काला नमक धान पर वर्षों तक शोध कर इसे विश्व पटल पर लाने के लिए दिया जाना है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी ने लगातार रिसर्च कर न सिर्फ काला नमक धान की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि उसे शुगर फ्री भी बनाया। पद्मश्री सम्मान की घोषणा के बाद अपने गृह जनपद पहुंचे वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी ने बताया कि पद्मश्री के लिए चुना जाना गौरव की बात है। और ये जो सम्मान हमें मिला है, ये काला नमक एक किस्म का धान होता है, उसी को बचाने के लिए, क्योंकि ये समाप्त हो रहा था, उसको बचाने के लिए कि 3000 साल का जो इसका इतिहास है समाप्त न हो जाए। और अब समाप्त होने के बाद तो खैर पीछे छूट गई, आगे जो हो रही है कि इसका रकबा 40 गुना बढ़ गया है और ये विदेश जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। तो सिर्फ अपने खाने की बात नहीं है, अब तो हम विदेशियों को भी खिला रहे हैं। तो इसी पूरी बात के लिए मुझको ये जो पद्मश्री सम्मान अभी 26 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई है। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के कुशल गांव में पोखरे में नहाते समय स्थानीय निवासी 4 बच्चों की डूबने से हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दोपहर में पोखरे में 4 बच्चे नहाने गए और डूब गए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 4 बच्चे पोखरे में नहाने गए थे जहां ये सभी डूब गए। पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा। सूचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशल गांव में 4 बच्चों की डूबने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। इसमें ये जो 4 बच्चे हैं, इनका नाम है अंश गौतम जिसकी उम्र 7 वर्ष है, राम कुंवर जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, राजकमन जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है और यश जिसकी उम्र 10 वर्ष है। ये 4 बच्चे जो 10 वर्ष की उम्र से कम के थे, ये 4 बच्चे गाँव के ही पोखरे में नहाने गए थे, वहां पर गहराई के कारण इनकी 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। परिवारजन तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने जैसे ही सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सदर हॉस्पिटल जौनपुर ले गए जहां पर डॉक्टर द्वारा इनको मृतक घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर तत्काल थाना दीदारगंज की पुलिस जौनपुर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए दाखिल कराया गया। अभी वर्तमान में मोर्ची में रखवा दिया गया है, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और सूचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व पूरी अकीदत एहतराम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। वहीं इससे पहले कल चांद रात को बाजारों में खरीदारी बड़ी संख्या में देखे गए। बाजार खरीदारों से पटा पड़ा था और हजारों की भीड़ खरीदारी करती रही। रात भर खरीदारी के बाद आज सुबह ईद का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मौके पर गरीबों की मदद करें और मुल्क की तरक्की की दुआ करें। ईद उल फित्र के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पर मैं ईद की तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए ये अपील भी करता हूं कि सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको पूरी तरीके से उस पर अमल किया जाए और ईदगाह में जल्दी पहुंच जाएं, जिसमें कि आगे से आगे बैठने के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि जितना भी आप इमाम के करीब होंगे उतने ज्यादा आप सवाब के इंशाल्लाह हकदार होंगे। और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि नमाज से पहले ही फितरा गरीबों में जरूर तकसीम कर दें, जिससे कि वो भी ईद की खुशियों में हमारे और आपके साथ बराबर से शरीक हो सके।
और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। 10 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।